शहर के पारस सराय पर रिलायंस मॉल के पास सोमवार देर रात हुई चाकूबाजी के मामले में सूरजपोल थाना पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी नीरज मीणा सहित उसके 7 अन्य 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि घायल सैयद जावेद जब अपनी पत्नी परवीन के साथ मस्तान बाबा दरगाह पर उर्स से अपने घर लौट रहा था, तभी पारस सराय के नज़दीक पहुंचने पर रिलायंस मॉल के पास नीरज और उसके साथियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि दरअसल सैयद जावेद ड्रग्स MDMA बेचने का काम करता है और उसी ने नीरज और उसके साथियों को MD उपलब्ध कराई थी। जब MD की कीमत की बात की गई तो इन दोनों के बीच में बहस हो गई। बताया गया कि जावेद ने उनसे ड्रग्स की ज़्यादा कीमत मांगी, जिससे नाराज़ होकर आरोपियों ने जावेद जब दरगाह से अपने घर SB नगर सवीना लौट रहा था तो सोमवार देर रात को घात लगाकर उस पर चाकू से हमला किया, जिसमें वह घायल हो गया। पुलिस तफ्तीश के दौरान ये भी बात सामने आई कि दरअसल पीड़ित जावेद एक MDMA ड्रग्स बेचने का काम करता है, साथ ही कुछ महीनों पहले उसके खिलाफ ज़िले के गोगुंदा थाने में NDPS एक्ट के तहत एक मामला भी दर्ज है, जिसमें वह वांछित चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में थी। और तभी सोमवार देर रात यह घटना हुई जिसमें जावेद घायल हो गया और पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद पुलिस ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया।